अम्मी अम्मी इधर आए ना। क्या कर रही हो ये? कल के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी कि जब उस चुड़ैल के सामने जाऊं तो वो मेरे सामने भीखी ले। अच्छा आप ये बताएं ये वाला जोड़ा कैसा रहेगा? बहुत ही छोटा दिमाग है मेरी बेटी का। ये भाई, उन सब की नजरों में तुम मरते मरते बची हो, तो चेहरे पे कोई नकाहत होनी चाहिए, कोई कमजोरी होनी चाहिए। पर सुनो, उस घटिया लड़की से मुकाबला करोगी? बहुत टाइम पड़ा है, पूरी उम्र पड़ी है अभी। हाँ आप कह तो ठीक रही हैं आप, मगर कोई अगर मगर नहीं, मेरी बात सुनो। मेरे तजर्बे के सामने ना बड़े बड़े पानी भरते नजर आते हैं। अब जो तुम्हारे भैया मामू है ना, इतना बड़ा कारोबार चला रहे हैं, कभी सोचा उन्हें कौन चला रहे? मैं। अच्छा बस बस अम्मी अब ज्यादा हो रहा है। अगर आपकी बातों में इतना ही दम होता ना तो आज जायरा की जगह मैं उस घर में होती। देखो, वो घर तुम्हारा ही है, कभी कभी देर सवेर हो जाती है किसी काम में, वो अल्लाह की मसलहत होती है। और हाँ, जरा कोई हल्के रंग का जोड़ा पहनना, वरना उनमें से किसी से भी हमदर्दी नहीं वसूल कर सकोगी, ये याद रखना। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। देखो, ये सारी चीजें ना, मानो इसी तरह रखा करो, छोटी छोटी चीजें ना गुम हो जाती हैं फिर। जी ठीक है बीबी जी, हाँ, ये जहर खाने से या नींद की गोलियां खाने से इतनी जल्दी ठीक हो जाते हैं क्या? क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? हाय हमारे मोहल्ले में ना एक लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई, पर ये जोया बीबी तो इतनी जल्दी नाश्ते की टेबल पर भी आ गई। खुदकुशी की भी थी या से मानो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, अपने काम से काम रखा करो, हर एक के मामले में मत टांगड़ आया करो, बुरी बात होती है। चलो जाओ, देख कर आओ पूजा ने नाश्ता तैयार भी किया है कि नहीं। अभी तक पराठे ही बना रही होगी, और असली घी डलवाना हो और कभी खुद भी देख लिया करो ना, हर वक्त किचन में घुसी रहती हो। जाओ जी। अरे तुम यहाँ क्यों आ गई? मैंने मना किया ना किचन में आने से। अम्मी वो जोया कमरे के बाहर बैठी रही है, उस दिन भी बेहोश हो गई थी। छोड़ो उसको, तबीयत खराब हो गई थी उसकी, तुम क्यों फिक्र करती हो? सुलह हो गई? जी आप सही कह रही थी, मैंने एक कदम बढ़ाया तो उमेर ने कई कदम बढ़ा दिए। अच्छी बात है, चलो जाओ डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं बस नाश्ता लगवा रही हूँ। आज मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, आज आप मुझे बताएंगी कि आपको किस किस चीज में हेल्प की जरूरत है। चलो फिर, जोया के लिए सूप बनाया है, वो निकालो प्यालों में, ये लो। भैया भाई, हमने तो सोच लिया था कि अब तो तुम्हारे घर का रास्ता भी नहीं देखेंगे। नई बहू आई है ब्याह के, पता नहीं अब इस घर में हमें वो इज्जत मिले ना मिले। मगर तुम इतना मजबूर करते हो ना कि तुम इनकार भी तो नहीं कर सकते। लेकिन मुझे आपके आने पे एतराज क्यों होगा? हमें क्या पता, आसपास घर में भड़काने वाले भी तो होते ना, आग लगाने वाले लोग। जोया बेटा, तुम्हारे लिए सूप बनाया है, पियो ना। बेटा जरा ध्यान से, कल ही अस्पताल से वापस आई है, मेरे मुंह में खाक, ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता अब फिर अस्पताल की शक्ल देखनी पड़े। मेरा तुम्हारे सिवा और कोई सहारा भी तो नहीं है दुनिया में। भैया भाई यकीन जानो, इसे अस्पताल से ले तो आई हूँ, लेकिन ना
कल रात को भी जब इसकी तबीयत खराब हो गई, मेरा दिल इतना घबरा रहा था, मैं क्या करूंगी अगर इसे कुछ हो गया तो। आपाजान, मैंने फैसला किया है, जब तक जोया बेटी की तबीयत ठीक नहीं होती आप यहीं रहेंगे। अब भाई तुम्हारा ना हर फैसला सर आंखों पे, वो और ही लोग होंगे जो तुम्हारे फैसले के खिलाफ जाते हैं। हमारे लिए तो भैया भाई की हर बात पत्थर पे लकीर की तरह। डैड, मैंने भी फैसला किया है कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूं। हम, मैं और जायरा। मैंने सोचा कि मेरे रिजल्ट आने में हफ्ता तो है, लेकिन जब बाद में ऑफिस ज्वाइन करना है तो अब क्यों नहीं। हाँ क्यों नहीं, जरूर। तुम कल से ऑफिस जरूर जाना। ये क्या बात हुई, यानी इस घर में हमारी कोई औकात ही नहीं है। पापा, अरे पापा, क्या हुआ, सब खैरियत है? ये कौन सा नया शोशा छोड़ा है मैंने ऑफिस जाने का, पहले तो उसने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की। क्या हो गया आपको, किसी बात के लिए आप? अगर वो मेरा ऑफिस चला जाएगा तो इसमें क्या हर्ज है, और वैसे भी आप आज नहीं तो कल ये जो कुछ भी हो ये उसी का तो है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये सब कुछ उसी का है। उमेर हमारा बच्चा है, लेकिन कल को वो तुम्हारा भी रहेगा या नहीं इस बात की अब कोई जमानत नहीं है। मैंने उमेर पे बरसों मेहनत की है और मुझे पूरा यकीन है कि उमेर मुझे धोखा नहीं दे सकता, मेरा नुकसान नहीं कर सकता। उमेर ने ये नहीं कहा कि ये फैसला मैं कर रहा हूं, उसने कहा ये फैसला हमने किया है, मतलब बीवी ने मशवरा दिया ऑफिस जाने का तो ऑफिस जाना शुरू हो गए। कल को बीवी कहेगी कि तुम्हें घर से निकाल बार करो तो तुम्हें घर से निकाल बार करेगा, और नसरीन को तो ये बदले लेने के ना मौके मिल गए हैं। ये सास बहू की कैसी गठजोड़ बन गई है, इतनी जल्दी दोनों चिपकी चिपकी साथ फिर रही होती हैं।